वज़ीर-ए-आज़म का अगले माह मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल करने का दावा। इंतखाबी इस्लाहात के पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जिन निकात पर पहले इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया। एक दो मामलात पर पीटीआई ने तहफुजात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफुजात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का मजीद एक बड़ा रैला 24 घंटों में हेड इस्लाम के मुकाम पर पहुंचेगा। सैलाब की मुमकिन सूरतहाल से निमटने के लिए डीसी कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल रूम कायम। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखिला शुरू। जिला बिहाड़ी के 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब के 38 सरकारी महकमों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। लाहौर का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक बंद होने से शहरी खार हो गए। सरकारी दफातर की तालाबंदी का कभी आगाज, काम ठप होकर रह गया। सियासी जमातें भी सरकारी मुलाजमीन की हिमायत कर रही हैं। शहरियों का हुकूमत से सड़कें खुलवाने का मुतालबा।